हेलो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम हैं बाजार समिति और यहाँ पर बड़ा अच्छा भूल भुलैया बनाया गया है, गुफा, भूल भुलैया का पूरा गुफा बनाया गया है। तो वही आप लोगों को दिखाएंगे और एक्सप्लोर करवाते हैं। बाजार समिति में बनाया गया है और बहुत लोगों का कल से हम स्टेटस देख रहे थे, ये गुफा वाला स्टेटस लगा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ है। तो आज फाइनली आए हैं और आप लोग और घूमते हैं, आप लोगों को बताते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस। चलिए सीधे अंदर। यही है बाजार समिति का पंडाल, इसको अगर आपको आना है तो आप इधर राइट साइड दिल्ली मोड़ से भी आ सकते हैं या मब्बी साइड से भी आ सकते हैं, आपको यहीं पे मिल जाएगा बाजार समिति। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को गुफा। गुफा जो बनाया गया है, तोप देख सकते हैं आप, लगा हुआ है गेट पे ही। और आगे में बाइक पार्किंग है, बाइक वाइक आप पार्क कर सकते हैं आराम से। और बाइक पार्क करके आप राइट साइड से इसका गुफा स्टार्ट है, बस गुफा के अंदर चलते हैं। चलिए, और ये रहा गुफा, देख सकते हैं आप लोग मेरे आगे कितना भीड़ है, जबकि हम दिन में आए हैं, दिन के टाइम में आए हैं तब इतना भीड़ है। कल रात में मम्मी लोग बोली थी चलने के लिए, बट हम गया नहीं क्योंकि हमको पता था कि रात में बहुत भीड़ होगा। मम्मी बता भी रही थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो इसलिए हम डिसाइड किए थे कि दिन में ही आएंगे। तो अभी आए हैं और आप लोग को घुमा रहे हैं। देखिए ये गुफा, इसको बनने में टोटल 30 लाख रुपया लगा है, 30 लाख का ये सिर्फ पंडाल बना है, बीच में नहर टाइप का कुछ बना हुआ है गुफा का, और इसका नाम भूल भुलैया गुफा है। बीच में नहर टाइप का कुछ बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, वो पूरा फूल वूल लगा है, मतलब बहुत अच्छा पंडाल है, बहुत अच्छा पंडाल है। और आगे बढ़ते हैं और देखिए दिन के समय भी कितना भीड़ है मेरे आगे, जो आप लोग देख रहे होंगे दर्शक लोग, मैं भी हालांकि दर्शक ही हूँ सब। और ये देखिए, ये भी मुझे बेस्ट लगा, महादेव जी का बनाया गया है बड़ा सा प्रतिमा, और ये इनको देख लीजिए, देख लीजिए इन मोहतरमा को, मतलब हम वीडियो बना रहे हैं या के ऊपर मैं सेल्फी लेने लगी, पूरा वीडियो मेरा नाश हो गया। चलिए कोई नहीं, अब गुफा के अंदर फिर बढ़ते हैं और माता का दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी माता का दर्शन कराते हैं। ब्लॉग में बने रही है, देखिए क्या लिखा हुआ है, भूल भुलैया गुफा। सच में भाई साहब भूल भुलैया है, मतलब छोटा बच्चा डर जाएगा, कुछ ऐसा ही लग रहा था, हम डर जाएगा छोटा बच्चा। चलिए भूल भुलैया गुफा के अंदर चलते हैं और माता का दर्शन कराते हैं। मतलब 16 तरह का इसके अंदर दरवाज़ा था गुफा का, माता के दरबार तक पहुंचने के लिए। और अभी अंदर जा रहे हैं, आप भीड़ देख सकते हैं मेरे आगे, सबके हाथ में मोबाइल है, सब या तो फ़ोटो ले रहा है या फिर वीडियो बना रहा है। और यहाँ पर एक नहर फिर से तालाब टाइप का, और देखिए आगे आगे बढ़ते हैं, बस माता का दर्शन हो जाए, माता जिस काम से आए हैं वो हो जाए बस, गुफा सब तो ठीक ही हैं। फिर गाइज़ ये कहाँ पहुँच गए, अच्छा यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है बीच गुफा से बाहर निकलने पे, पूरा शीशा लगाया हुआ है। और यहाँ पे आप मेरे आगे सुंदर सुंदर कन्याओं को देख सकते हैं, वो लोग सेल्फी ले रही हैं, पूरा शीशा बनाया भी हुआ है शीशा टाइप का, और आप आके फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। लेकिन माता का दरबार नहीं आया अभी तक, मैंने भी थोड़ा, मैं भी अपने आप को थोड़ा देख लूँ शीशा में। चलिए फिर माँ का दर्शन करते हैं, अब हम दूसरा गेट से होके घुसते हैं इस, ये कि माता का दरबार एवं स्वर्ग लोक, हाँ लगता है अब मिल गया, इस वाले गुफा में होके चलते हैं। और ये हमको देख के सांप लगा, वो लगा ये सांप है, बट ऐसा था नहीं, वो पेड़ का डाली था। और चलते हैं अब, माता का दर्शन हो जाए बस। गाइस बढ़ रहे हैं, ये अंकल को क्या लगा कि मैं इनका फ़ोटो ले रहा हूँ। खैर चलिए माता का दर्शन हो जाए। अब देखिए जाम, देखिए ये पैदल का जाम है, मतलब बाइक का, कार का और रोड ट्रैफिक तो सुने होंगे, ये गुफा में पैदल का जाम लगा हुआ है, इतना भीड़ है। गाइस फिर हम वहीं पहुंच गए जहां से निकले थे, वो जो शीशा लगा हुआ था, वो जो सेल्फी पॉइंट था, भाई साहब ये सच में भूल भुलैया है, मतलब पहुँच ही नहीं पा रहे हैं असली जगह तक, माता का दर्शन हो ही नहीं पा रहा है, एकदम भूल भुलैया टाइप का। दोबारा से हम पहुँच गए, तुरंत यहाँ पर पहुँचे थे। अच्छा अगला गुफा से होके जाते हैं, देखते हैं इस बार माँ के दर्शन होता है कि नहीं, पहुँचते हैं सही जगह पे कि नहीं। और गाइस देख सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं, इस बार बस हो जाए माँ का दर्शन। और आप लोग से एक आग्रह है, अगर आप लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाइएगा, अंदर में बहुत सफोकेशन फील होता है, एक टाइम पे लगेगा कि सच में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, पूरा एकदम सांस वांस ठीक से आएगा नहीं जब एकदम अंदर में चले जाइएगा। तो आप लोग भी, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, सब मुझे देख रहे हैं, वैसे क्या ही दिक्कत है, मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ बस, और क्या। आप जो लोग नहीं आ सकते हैं वो मेरे वीडियो के द्वारा माँ का कम से कम दर्शन तो कर लेंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं बस, माँ का दर्शन हालांकि पहले मुझे हो जाए फिर मैं आप लोगों को कराऊँगा। अभी तीसरा मैं घुसा हूँ गुफा में और अभी तक मिला नहीं है, और लगता है हम उल्टा साइड में चल रहे हैं क्या,
क्योंकि इधर से लोग आ रहे हैं और हम इधर से जा रहे हैं। अच्छा चलिए कोई नहीं, फिर जाम यहाँ पे गाइस, मतलब सच में भूल भुलैया है, सच में भूल भुलैया है और लगता है फिर जाम में फंस गए हैं। अब यू टर्न मारना होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये अंकल भर रहे हैं वाइट टी शर्ट वाले, मैं भी इनको फॉलो करता हूँ, इनको फॉलो करते करते चलता हूँ, शायद माँ का दर्शन हो जाए। और गाइस कहाँ निकल गए हैं भाई साहब, हम फिर वहीं निकल गए जहाँ पे वो महादेव जी बने हुए थे, जहाँ पे वो मोहतरमा सेल्फी ले रही थी, हम फिर से वहीं निकल गए हैं। तो ये है असली का भूल भुलैया। चौथा गुफा में मैं घुसा और मैं माता के दर्शन अभी तक नहीं हो, मेरा हो पाया है। फिर से देखिए वो महादेव जी का जो बना हुआ है, मैं फिर से वहीं पहुँच गया। ये है भाई पहुँचा दिया। अब किसी से पूछने में भी शर्म आता है, वीडियो लिए हैं, वीडियो बना रहे हैं, पूछेंगे नहीं, इस बार तो हम एक्सप्लोर करेंगे खुद से। चलिए अब गेट नंबर मतलब गुफा नंबर कोई नेक्स्ट ट्राई करते हैं, शायद माता तक पहुँच जाएँ। लेकिन भाई साहब दिमाग लगाया है पूरा, मतलब अंदर में अजीब टाइप से बना दिया है आपको, लेफ्ट राइट तरह। और हाँ हाँ हाँ, ये सही सही गुफा पक रहा है, ये सही गुफा। आगे माँ का गाना तो बज रहा है, शायद हम सही जगह पे पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, और चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं और दर्शन करवाते हैं माता का, दुर्गा माता का दर्शन आप लोग को भी करवाते हैं अपने ब्लॉग के ज़रिए, अपने वीडियो के ज़रिए। और भीड़ आप देख सकते हैं, दशमी है आज और दिन में मैं आया हूँ, फिर भी और पंडाल कितना अच्छा सजा हुआ है, देखिए कितना अच्छा पंडाल सजा हुआ है। मैं हालांकि बहुत दूर खड़ा हूँ, लेकिन मैं जूम करता हूँ, माँ दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। जय हो दुर्गे मैया। तो गाइस यही है बाजार समिति का, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही भव्य दुर्गा माँ का प्रतिमा बनाया गया है, बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर, क्या ही नज़ारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और पंडाल भी बहुत अच्छा बनाया है, नो डाउट बहुत अच्छा पंडाल बनाया है। और ये वाइट कलर का क्या है पता नहीं, उसके अंदर लाइट लगा हुआ है, शायद वो प्लास्टिक फ्लावर है, शायद प्लास्टिक फ्लावर है और उसके अंदर लाइट लगाया हुआ है अंदर में। लेकिन एक चीज़ है, अंदर में सफोकेशन बहुत है, गर्मी फील होता है अंदर में, बहुत ज़्यादा सफोकेशन है अंदर में। और ऊपर में वो चिड़िया टाइप का कुछ बनाया हुआ है, लगेगा आपको कि ओरिजिनल बर्ड से, बट ऐसी है नहीं, ऐसा है नहीं। तो गाइस चलिए माता का दर्शन कर लिए, बाहर निकलते हैं। लेकिन मस्त भूल भुलैया था, आप लोग ज़रूर जाएं एक बार, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर जाएं, मज़ा आ जाएगा। और यहाँ प्रसाद वितरण हो रही है, चलिए प्रसाद लेते हैं। भैया हमें भी दे दो। अरे भैया, हाँ हाँ भैया हमें भी दे दो भाई, भैया हाँ हाँ भैया प्रसाद, भैया मेरे बातें नहीं सुन रहे हैं, भैया प्रसाद दे दो भाई, हाँ मिल गया, नहीं मिला यार, भैया प्रसाद दे दो, मिला फाइनली गाइस, बताशा और एक टुकड़ी जलेबी। खैर कोई नहीं, प्रसाद प्रसाद होता है। तो गाइस फाइनली माता का दर्शन भी हो गया भूल भुलैया में, मतलब चार पांच गुफा मैंने घूम लिया तब जाके माता का दर्शन हुआ और प्रसाद भी मिल गया। और अब बाहर निकल चुके हैं बाजार समिति के, और ये अपोजिट साइड हम निकल गए हैं, मतलब जिस तरफ से एंट्री था उस। तो गाइस सच में भूल भुलैया था, कहाँ जा रहे थे, कहाँ से निकल रहे थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मतलब जिस भी होके एंट्री, जहाँ से हम एंट्री लिए वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे, बार बार वहीं पहुँच जा रहे थे जहाँ पे हमको जाना था, और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो लास्ट में क्या किए, उल्टा एग्जिट मारे तब जाके बाहर निकले। सच में ये बहुत बेस्ट बनाया है। आप लोगों का दरभंगा से है तो बाजार समिति जरूर है और एक बार एक्सप्लोर कर रही है गुफा भूल भुलैया गुफा। तो बाकी ये हसन चौक पे एक बहुत अच्छा बना है, वहाँ जाते हैं, वहाँ आप लोग को दिखाते, वहाँ आप लोग को दिखाते हैं। बने रहिए ब्लॉग में, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा हम दरभंगा लगभग जो अच्छा अच्छा जगह है वो उसको एक्सप्लोर करवाएंगे आप लोगों को, और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और अंदर बहुत आवाज़ आता है तो उसके लिए हम सिनेमेटिक इफेक्ट डाल देंगे, पीछे म्यूजिक डाल देंगे, आप लोग अच्छा से देख पाइएगा। सो चलिए गाइस अब आप लोग को हम हसन चौक लेके आए हैं, हसन चौक का आप लोग को प्रतिमा दिखाते हैं, माता दुर्गा का प्रतिमा यहाँ का भी बहुत फेमस बनाया गया है। तो अब यहाँ का आप लोग को एक्सप्लोर करवाते हैं, और आते के साथ मुझे सेवा शुल्क देना पड़ा 50 रुपया का। खैर कोई नहीं, ये लोग गाड़ी के स्टैंड के नाम पे सेवा शुल्क लेते हैं। यहाँ पे ज्योतिर्लिंग बनाया गया है 10 तरीके का, जो इंडिया में फेमस जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है उसी का यहाँ पे पंडाल, उसी की तरह का यहाँ पे पंडाल बनाया गया है 10 तरह का ज्योतिर्लिंग। तो चलिए आप लोग को अंदर दिखाते हैं। और यहाँ उतना भीड़ नहीं है, वो बाजार समिति के कंपैरिजन में यहाँ थोड़ा सा कम भीड़ है, जो मुझे एक्चुअली में फील हुआ। और यहाँ पे भी वही सेल्फी लेते हुए,
कन्याएं और क्या बोलते हैं मेल को, वो दोनों सेल्फी लेते हुए। और चलिए आप लोग को अब ज्योतिर्लिंग घुमाते हैं। ये देख रहे हैं पूरा पंडाल। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात में है, देख सकते हैं आप लोग। मैं पूरा प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग घर पर बैठ के ही वीडियो देख सकें, और जो लोग नहीं आ सकते हैं वो लोग देख लेंगे। ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि आंध्र प्रदेश में है, देख लीजिए कितना अच्छा कितना सुंदर लग रहा है। ये एक नया कॉन्सेप्ट लगा ज्योतिर्लिंग का। और फिर नेक्स्ट आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है, ये आप लोग को दिखाते हैं। देखिए जो लोग नहीं गए हैं वो लोग मेरे वीडियो मेरे ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं। और फिर ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो खंडवा एमपी में है, इसको आप लोग देख सकते हैं। मतलब 10 अलग अलग तरह का ज्योतिर्लिंग बनाया गया है इसमें। और फिर ये देखिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि उत्तराखंड में है, इसका भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। अभी आगे बढ़ रहे हैं, भीड़ तो है गाइस, भीड़ तो उतना। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है, देख लीजिए दर्शन कर लीजिए, देखिए नहीं सिर्फ दर्शन भी कीजिए। और फिर अब राइट साइड में, मतलब 5 बनाया गया है लेफ्ट साइड में और 5 बनाया गया है राइट साइड में, तो और बीच में एक नहर टाइप का बना दिया है। देखिए यहाँ पे आप फोटो वगैरह ले सकते हैं, वीडियो वगैरह ले सकते हैं। तो आप लोग को अब नेक्स्ट साइड का घुमाते हैं, 5 और ज्योतिर्लिंग आप लोग को दिखाते हैं। मतलब बहुत अच्छा है, अगर आना चाहें तो आइए, नहीं तो आप लोग मेरे वीडियो से देख सकते हैं। ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, इसको आप लोग देख सकते हैं, मतलब दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये अम्बेश्वर क्या था ज्योतिर्लिंग जो कि आप यहाँ पे हैं, इसका दर्शन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड में जो है, उसका आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और फिर देखिए आगे आगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये देख लीजिए। और फिर ये है आपको रामेश्वरम धाम ज्योतिर्लिंग जो कि तमिलनाडु में है, उसका आप लोग दर्शन कर लीजिए। मैं प्रॉपर वीडियो बना पा रहा हूँ पूरे ज्योतिर्लिंग का ताकि आप लोग देख पाएँ और आप लोग घर पे बैठ के ही एक्सप्लोर कर पाएँ। और ये धूमेश्वरम ज्योतिर्लिंग, इसको देख लीजिए आप लोग। और फिर चलिए अब माता का दर्शन करते हैं। आप लोग को 10 ज्योतिर्लिंग मैंने घुमा दिया, अब माता का दर्शन करते हैं और फिर आप लोग को कराते हैं। यहाँ पर भी माता का प्रतिमा बहुत अच्छा बनाया गया है। प्रतिमा तो माता का हर जगह अच्छा होता है, पर यहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रतिमा बनाया गया है, आप लोगों को दिखाते हैं। ब्लॉग में बने रहिए, देख लीजिए माता का प्रतिमा और आशीर्वाद ले लीजिए आप लोग। अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं तो आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। ये बुराई पे अच्छाई का जीत, देख सकते हैं दुर्गा माँ ने त्रिशूल घुसा रखा है, देख लीजिए आप लोग। तो दशमी ही मेन ठीक होता है घूमने के लिए। तो गाइस यही था हसन चौक। तो गाइस देखा आप लोगों ने, ये हसन चौक का था। यहाँ पे 10 तरह का ज्योतिर्लिंग बनाया गया है। तो यहाँ भी हो गया बाजार समिति का आप लोग को दिखा दिया, ये हसन चौक हो गया। और आप लोग को और दिखाते हैं और एक्सप्लोर कराते हैं, और ब्लॉग में बने रहिए, इसका ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, पूरा दरभंगा मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ आप लोग को। चलिए तो गाइज अब आप लोग को लेके आए हम लक्ष्मी सागर। यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी के गुफा का जैसे पंडाल बनाया गया है, और मैं आप लोग को ये अब एक्सप्लोर करवा रहा हूँ। ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी आप लोग को मैं दिखाऊंगा, माता का दर्शन भी करवाऊंगा। पहले गुफा घुमा देता हूँ, उसके बाद ही आपको माता का दर्शन होगा। तो गुफा है और यहाँ बहुत तेज साउंड चल रहा है, तो मैं अब क्या करता हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके और म्यूजिक सेट कर देता हूँ और आप लोग को माता का दर्शन करवाता हूँ।
सोचे थे आप लोगों को पूरा दरभंगा घुमाएंगे, बट तीन जगह ही घुमाए और वीडियो बहुत लंबा हो गया है। एक आप लोगों को भूल भुलैया दिखाएं, एक वो ज्योतिर्लिंग वाला और तीसरा ये वैष्णो देवी वाला। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। इतना ही वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें, वीडियो पे कमेंट भी करें और शेयर करें और बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग जहां से वीडियो देख रहे हैं वहां पर क्या बनाया गया है खास वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।